हे ऑल माई गॉर्जेस वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू या चैनल हॉल वीडियो आई होप आप सब बहुत अच्छे से एंड एकदम मज़े से होंगे सो गाइज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक स्पेशल हॉल वीडियो फ्रॉम मिंत्रा क्योंकि ये एक कंबाइंड वीडियो होने वाला है मैं आपके साथ इसमें आज बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी कुर्तीस कुर्ता सेट्स जंप सूट्स ड्रेसेस मैक्सी ड्रेसेस टॉप्स जो कि आने वाले समर सीजन के लिए या फिर आप कोई यू नो वकेशन वगैरह प्लान कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर यह मैंने मिंत्रा से लिए हैं एकदम लेटेस्ट ट्रेंडिंग पीसेज हैं एंड एकदम प्यारा कलेक्शन होने वाला है सभी के जो डायरेक्ट लिंक्स हैं मिल जाएंगे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ भी लेना चाहते हो हो आराम से ले सकते उन लिंक्स को को क्लिक करके एंड एंड प्लीज वीडियो को एं तक देखिएगा आपको पसंद आती है यूजफुल लगती है तो लाइक और कॉमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है इसी तरीके की यूजफुल इन बजट यू you नो know, हॉल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने को एंड ऐसे ही फैशन हॉल वीडियो इन फ्यूचर देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली को और भी बड़ा और स्ट्रॉग बनाइएगा अब चलिए जल्दी से चलते हैं और अच्छा सा हॉल पिटारा चेक करते हैं सो यार सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर

है ये डोरी वर्क के साथ सो so दैट आप इसको टाई कर सकते हो एक प्रॉपर फिट के साथ है, है. कॉटन फैब्रिक में मिलेगा एंड कुछ ऐसा है ना पॉकेट्स मिल जाती है तो आप इसमें कुछ भी आराम से कैरी कर सकते हो फ्लेयर इसका बहुत अच्छा है एंड काफी सारे टायर्स दिए हुए हैं तो इसकी लुक और भी ग्रेसफुल हो जाती है नीचे तक आप देख सकते हो सेम इसी प्रिंटिंग पैटर्न पे रहेगा ये देखिए आप जैसे जैसे से नीचे जाओगे ना इसका फ्लेयर बढ़ता जाएगा एंड ये बहुत प्रीटी लगता है ये देखिए नीचे तक बहुत ज्यादा फ्लफ यू uh, नो you know, फ्लेरी है ये एंड इसके अंडरनीथ हमको इसमें 100% कॉटन का लाइनिंग दे रखा है पीच शेड का ही तो ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है एंड फैक्ट आप इसको गर्मियों में कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो बैक साइड पे भी हमको ये सेम इसी प्रिंटिंग पैटर्न में मिल जाएगा सच अ ब्यूटीफुल यू नो डीसेंट समरी शेड वेकेशंस के लिए एकदम परफेक्ट पीस है इसको मैंने पेयर करके दिखाया है आपको वाइट नीकर्स के साथ आप चाहो तो इसके साथ यू नो सैंडल्स वगैरह भी पेयरअप कर सकते हो बहुत प्यारा काफ़ी अफोर्डेबल एंड यू नो ब्रीदेबल है ये तो मैं इसको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी इसका लिंक नीचे दे रखा है जरूर ट्राई की बहुत ही ब्यूटीफुल सा कम्प्लीट कुर्ता सेट जो कि बहुत प्यारा है आपको कुछ इस तरीके का ना स्ट्रैपी कुर्ता मिल जाएगा जो कि शॉर्ट लेंथ है कुछ इस तरीके से स्ट्रैप्स हैं इसमें जो कि एडजस्टेबल हैं एंड ये जो है कॉटन ब्लेंड फैब्रिक में है कॉटन इन द सेंस मोर ओवर कॉटन साइड में है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल एंड ब्रीदेबल रहता है कुछ ऐसा इसका नेक है फ्रंट में हमको ये नेट का पैच मिलेगा जिसमें फुल सीक्वेंस जरी एंड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी आपको दिखने को मिलेगा एकदम नीट एंड क्लीन वर्क है काफ़ी प्यारा लग रहा है एंड इसका पीच कलर बहुत अच्छा एंड यू नो ग्रेसफुल है सबके ऊपर काफ़ी अच्छे से जाएगा हर स्किन कम्पलेक्शन के ऊपर एंड कुछ इस तरीके का आपको ये फ्लोरल प्रिंट दिखने को मिल जाता है ये देखिए तो इसकी लुक जो है कुछ ऐसी है एंड सबसे नीचे हमको ये वाला फैब्रिक प्रिंट दे रखा है इन्होंने इसके बॉर्डर पर तो कुछ ऐसा इसका लुक आ जाएगा फ्रंट में कुर्ती की बैक साइड पर जो है हमको ये मिल जाएगा कुछ इसी सेम प्रिंटिंग पैटर्न पर guys, इसके साथ इन्होंने हमको दिया है एक शरारा जो कि अगेन कॉटन मिक्स फैब्रिक में ही रहेगा फुली इलास्टिकेटेड है टायर्ड अच्छा शरारा है ये तो इसका भी जो है काफी अच्छा फ्लेयर क्रिएट हो जाता है लेंथ इसकी अच्छी खासी आई है एंड इसका फैब्रिक भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड स्मूद है आप इसको भी कंफर्टेबली वेयर कर सकते हैं इसके साथ जिन्होंने हमको दुपट्टा है वो फुल लेंथ एंड विथ के साथ आपको मिल जाएगा कुछ ऐसे विथ को इन्होंने यहाँ पे स्टिच किया हुआ है एंड इसके एक साइड पे आपको ये बॉर्डर मिल जाएगा बीच पे हमको मुझे बहुत लगा, करने पे, के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा तो अगर आपको कुछ लाइट वेट सटल सा चाहिए वेयर करने के लिए uh, you know, किसी भी ओकेजन में तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई uh, you know, कर अगेन नेक्स्टिफुलशन है है के लिए एकदम परफेक्ट लाइट वेट है आप इसको समर में इजीली कहीं पे भी उन्होंने you know, अपनी कैरी uh, कर सकते हो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है इसका जो फैब्रिक है ना वो काइंड kind ऑफ of मुझे क्रेप लगा लेकिन वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड विशुद्ध इनका जो फैब्रिक होता है वो बहुत अच्छा होता है जिससे आप किसी भी मौसम पे कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो वी नेक है फ्रंट पर हमको ये पोटली बटन्स की डिटेलिंग दे रखी है कुछ इस तरीके का प्रिंट रहेगा पूरे ही इसके ट्यूनिक पर इसकी लुक कुछ ऐसी हो जाएगी बलून फ्लफी स्लीव्स दे रखी हैं जो कि इलास्टिकेटेड है ये देखिए कुछ ऐसे सा इसमें इलास्टिकेटेड पैटर्न दे रखे का है तो ये बहुत अच्छे से फिट हो जाती है आपकी स्लीवर पर एंड इसकी लुक कुछ ऐसी हो जाएगी फ्रंट पे हमको ये प्लीटेड पैटर्न दिया हुआ है सो so दैट इस पर हल्का सा फ्लेयर क्रिएट हो जाता है ये देखिए तो ये शॉर्ट लेंथ है इसका लुक कुछ ऐसे रहेगा बैक साइड पर हमको ये कुछ इस तरीके के सेम प्रिंटिंग पैटर्न पर मिल जाएगा मिंट ग्रीन कलर है काफ़ी समरी लगता है एंड ब्यूटिफुल लगता है तो ये है इसका ब्यूटिफुल सा ट्यूनिक इसके साथ पे इन्होंने हमको दिया है एक प्लाजो जो कि बेल्टेड है पूरा साइड पे यहाँ पे इन्होंने ये जिप क्लोजर दिया हुआ है सो so दैट आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो ये देखिए कुछ ऐसा जिप क्लोजर है एंड इसमें आपको इंटायरली ये वाला जो है प्रिंट दिखने को मिल जाएगा एंड कुछ इतना इसका हो जाएगा फ्लेयर तो ये बहुत ब्यूटीफुल है ऑल टुगेदर ये कॉट सेट काफी ज्यादा ग्रेसफुल लगता है वन साइड इसमें पॉकेट भी दी है सो so दैट आप इसमें कुछ भी कैरी कर सकते हो काफ़ी अच्छी खासी डेप्थ है सो so ये है कॉट सेट पूरा कम्पलीट ये इसका ट्यूनिक एंड इसका बॉटम वेयर कुछ इस तरीके के शेड्स एंड यू नो कम्फर्टेबल चीज़ें आपको वेयर करना पसंद है तो आप इसको भी ट्राई करके देख सकते दे एक यू नो मैक्सी ड्रेस जो कि बहुत अच्छी लगती है इसमें भी आई थिंक दो तीन कलर ऑप्शन उसमें अवेलेबल हैं आप ट्राई करके देख सकते हो तो मैंने इसमें कुछ ये इस तरीके का मरून शेड लिया है टायर्ड है ये एंड ये भी काफी बिटी

पे इस पे हमको दे रखी है इन्होंने पॉकेट्स ये देखिए यहाँ पे भी पॉकेट है एंड देन दूसरी साइड पे भी पॉकेट है सो so दैट आप कुछ भी उसमें इजीली यू नो कैरी कर सकते हो एंड इसमें आप देख सकते हो इसका फ्लेयर नीचे तक कुछ ऐसे जाएगा नीचे हमको दे रखा है टायर्ड पैटर्न हल्के से स्लिट के साथ कुछ ऐसे इसकी लेंथ बहुत अच्छी खासी है एंड ये वेयर करने पर काफ़ी अच्छा लगता है बहुत ही ज़्यादा यू नो स्टडी फैब्रिक है इसका तो ऐसे इसकी लुक हो जाएगी फ्रंट पे एंड बैक साइड पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके के प्रिंट पे हमको मिल जाएगा ऑल ओवर काफ़ी न्यूट्रल शेड है हर स्किन टोन के ऊपर बहुत अच्छे से जाएगा तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगी कि इसको जरूर ट्राई करके देखो समर्स में कुछ इस तरीके की ड्रेसेस आप स्नीकर्स के साथ या फिर सैंडल्स के साथ वेयर करते हो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगती है एंड ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है तो या आप इसको भी ट्राई करते हैं आपके आप साथ शेयर करूँगी कुछ ब्यूटीफुल से जंप सूट्स जो कि कुछ ऐसा है बहुत ही ब्यूटीफुल लाइट ग्रे कलर का ये मिल जाएगा ये भी ब्रांड विशुद्ध से ही है रियॉन फैब्रिक का है एंड इसके

बहुत अच्छा खासा फ्लेयर है एंड इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी खासी है मेरी हाइट फाइव फोर है एंड उसके अकॉर्डिंगली मुझे ये बहुत अच्छा है तो कुछ ऐसी इसकी लुक हो जाएगी इस जम्प सूट की एंड बैक साइड पर यह हमको सेम कुछ इस तरीके के, के प्रिंट में दिखने को मिल जाता है ट्रस्ट मी गाइज़ ये वाला शेड वेयर करने के बाद बहुत अच्छा लगता है एंड यस इसका जो क्लोजर है वो बैक साइड से रहेगा ये देखिए पूरा जिप क्लोजर रखा है इसमें पीछे से कुछ ऐसे एंड कुछ ऐसे हो जाएगा कंफर्टेबली वेयर हो जाता है यार मतलब मैं तो इसको वेकेशन में आराम से वेयर कर चुकी हूँ एंड ये बहुत प्यारा लगता है मुझे बहुत से लोगों ने पूछा कि आपने कहाँ से लिया है तो यार मिंत्रा से लिया है बहुत प्यारा है इन बजट है कुछ ऐसे जम आप यू नो कम्फर्टेबल रहते हैं गर्मियों में वेयर करने के लिए एंड डिफरेंट लगते हैं तो इसको आप ट्राई करके हैं नेक्स्ट है ये ब्यूटीफुल सा जम जो कि आपको कॉटन सिल्क फैब्रिक में एक्चुअली विस्कॉस सिल्क फैब्रिक है इसका जो कि बहुत अच्छा लगता है सिंगल कलर में है पीच कलर का एंड कुछ ऐसा इसमें आपको वी नेक मिलेगा जिसमें फुल एम्ब्रॉयडरी का वर्क है ये देखिए कुछ ऐसा एम्ब्रॉयडरी वर्क है एंड कुछ ऐसी इसकी लुक आ जाएगी ये भी स्लीवलेस है इसको आप यू you नो know, किसी भी पार्टी या फिर ओकेजन में कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो एंड डिफरेंट अच्छा लगता है वेस्ट तक एकदम परफेक्ट फिट है उसके बाद इसमें आपको दोनों साइड पर दे रखी है पॉकेट uh, काफी अच्छा लगा मुझे इसमें यू नो पॉकेट वाला ये ऑप्शन तो आप कुछ भी आराम से रख सकते हो एंड इसका फ्लेयर आप देख सकते हो एक पैर का कुछ इतना है सिल्क है तो ये इसको पार्टी वेयर लुक दे देता है हल्की सी शाइन के साथ इसकी लेंथ भी बहुत

में मुझे बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल गया एंड इसका फैब्रिक ना कुछ सिल्क ब्लेंड टाइप्स का है जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ये भी स्लीवलेस ही है इसकी लुक ना कुछ ऐसी आ जाएगी क्रिस क्रॉस पैटर्न पैटर्न में एंड एंड ये टाई डाई का पूरा दिया हुआ है इसमें जो कि बहुत ही प्यारा लगता है साइड पर लूप्स हैं इसमें हमको ये बेल्ट प्रोवाइडेड है आगे से ये बेल्टेड है एंड ये बेल्ट पीछे से जो है ना इलास्टिकेटेड है तो ये बहुत अच्छे से फिट हो जाती है इसमें भी हमको दोनों साइड्स पे पॉकेट दे रखी है एंड इसके फ्लेयर को अगर हम देखें तो कुछ इतना हो जाता है जो yes, लोग यू नो स्लीवलेस वेयर करने कंफर्टेबल नहीं है उनको मैं साइड में ट्रायल में दिखा दूंगी कि आप इनको जो हो अंडरनीथ वाइट कलर की टी शर्ट के साथ या फिर ऊपर से आप श्रक को जो हो कैरी कर सकते हो अगर आप यू नो स्लीवलेस वेयर करने पर कंफर्टेबल नहीं हो तो बट जम्प सूट आर लाइक वेरी ब्यूटिफुल तो कुछ ऐसे इसका फ्लेयर हो जाएगा एक पैर का फैब्रिक आप देख सकते हो बहुत सॉफ़्ट एंड फाइन है इसका फ्लेरी एंड फ्लोई है बैक साइड पे भी हमको ये सेम इसी प्रिंटिंग पैटर्न पे दिखने को मिल जाएगा ये देखिए कुछ ऐसा सो आई विल हाईली रिकमेंड गाइज ये भी काफ़ी प्यारा पीस है बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल एंड फाइन लगता है किसी को एज़ अ गिफ्टिंग ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा रहेगा तो आप इसको भी या ज़रूर ट्राई करके सो नेक्स्ट so, आ जाते हैं हम टी शर्ट्स पर तो ये वाला टी शर्ट जो है बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपको यू नो कॉटन फैब्रिक में मिल जाएगा कुछ इस तरीके से टाइपोग्राफी यू you नो know, आजकल बहुत ज़्यादा इन है समर्स में काफ़ी अच्छी लगती है वाइट शेड तो हमेशा ही मतलब टू द पॉइंट होता है सबकी नजरों में कुछ ऐसा राउंड नेक है और फ्रंट में आप देख सकते हो आपको ये वाला पूरा प्रिंटिंग पैटर्न मिल जाएगा लेंथ इसकी अच्छी खासी है शॉर्ट स्लीव मिल जाएंगी फोल्डेबल पैटर्न पर बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है डेनिम्स वगैरह के साथ वेयर करने पर यह बहुत अच्छी लगती है फ्रंट पर जो है कुछ ऐसे आ जाएगा कलर कॉम्बिनेशन मुझे इसके बहुत अच्छे लगे एंड सच अ फेमिन यू नो पैटर्न एंड प्रिंट बहुत प्यारा है बैक साइड पे हमको ये पूरा प्लेन इसी तरीके से मिल जाएगा डेनिम्स वगैरह के साथ वेयर

अच्छी खासी दे रखे, ये देखिए कुछ ऐसी इसकी स्लीव्स रहेंगी कंप्लीट पूरा कुछ इस तरीके का प्रिंट रहने वाला है बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है ये भी वेयर करने के बाद काफ़ी स्मार्ट लगता है बैक साइड पर ये एकदम प्लेन वाइट कलर का है तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगी यार कुछ इस तरीके की अफोर्डेबल टी शर्ट अपने पास ज़रूर रखो ये बहुत ज़्यादा एलिगेंट एंड स्मार्ट लुक देती हैं बजट में वैकेशनस में आउटिंग्स में कहीं पर भी वेयर करोगे बहुत प्यारी लगने वाली हैं इनको बिल्कुल भी मिस मत सो आई रियली होप कि आज का वीडियो डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आया होगा आपके लिए यूजफुल रहा होगा सबके लिंक्स से रखे हैं नीचे इसी तरीके की कि आप यू you नो know, जो भी हॉल वीडियोस देखना चाहते हो स्पेशली मंत्रा से मुझे अपने सजेशन जरूर बताइएगा नीचे कॉमेंट बॉक्स पर जब तक मैं लाती हूं आप लोगों के लिए नेक्स्ट हॉल वीडियो तब तक अपना और अपनी फैमिली का खूब अच्छे से ध्यान रखेगा टिल देन स्टे सेफ एंड बी सी सिया